गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, हेल्दी एंड सेफ। टुडे आई विल टीच यू मूवमेंट इन कॉकरोच, मूवमेंट इन फिश इन एंड मूवमेंट इन स्नेक्स। दे आर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है? ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके अंदर बैकबोन नहीं होती है। सो लेट्स सी कि ये मूव कैसे करते हैं, ये एक जगह दूसरी जगह कैसे जाते हैं, ये हिलते डुलते कैसे। इनका जो होता है आउटर स्केलेटन हार्ड होता है, जैसे कि स्नेल्स में होता है। ये है लोकोमोशन अपने तीन जोड़ी लेग और दो विंग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है? इनके ऊपर पास यानी कि सिक्स पैर होते हैं और टू पर होते हैं, ठीक है? टू विंग्स होते हैं। जो इनके लेग्स के मसल्स होते हैं वो कॉकरोच को वॉक करने में हेल्प करते हैं, और जो मसल्स होते हैं वो इसे उड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट इन फिश। फिश में मूवमेंट कैसे होता है? फिश जो है वो वर्टिब्रेट है, ठीक है? फिश आपका वर्टिब्रेट है। कॉकरोच, स्नेल आपने क्या पढ़ा था? इनवर्टिब्रेट, ठीक है? ये आपका वर्टिब्रेट है। दे हैव बोनी स्केलेटन, इसका बोनी स्केलेटन होता है। इसके अंदर आपके क्या हड्डियाँ होती हैं, बैकबोन भी होती है, और बैकबोन की वजह से ही इसे वर्टिब्रेट कहा जाता है। दे हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी, इसकी स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है जो कि इसे वाटर में मूव करने में हेल्प करती है, तैरने में हेल्प करती है। फिश अपने फिन्स का और मस्कुलर टेल का यूज़ करती है स्विम करने के लिए, ठीक है? और ये इनके जो स्विम ब्लैडर्स होते हैं उसमें एयर फिल होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है वो हो तैर सकती है, तैरने में सक्षम होती है। और स्विमिंग के दौरान ये इनकी जो फ्रंट की बॉडी होती है और जो टेल पार्ट होता है वो कर्व हो जाता है, ठीक है? अपोजिट डायरेक्शन में कर्व हो जाता है, एक दूसरे से अपोजिट हो जाता है, और इसे एक जर्क बनाता है, ठीक है? जो कि इसकी बॉडी को आगे की तरफ बढ़ाने में हेल्प करती है। और इसी तरह के जर्क्स की एक सीरीज़ जो होती है वो हो इसी तरह के जग्स बनते रहते हैं, और जो आपकी फ़िश है वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है, आगे बढ़ने में उसकी हेल्प होती रहती है, ठीक है? द पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन। ये जो इनके फिन्स होते हैं, इनके जो किनारे की तरफ निकले हुए आपको फिन्स दिख रहे हैं, ये इनकी हेल्प करते हैं अब बैलेंस बनाने में और डायरेक्शन को चेंज करने में, ठीक है? मुड़ने में और अपने बैलेंस बना के रखने में। एंड नेक्स्ट जो है वो मूवमेंट इन स्नेक्स। बहुत सारे स्नेक्स जो हैं वो ग्रास पर मूव करते हैं, सैंड पर मूव करते हैं, और बहुत सारे वाटर में मूव करते हैं, ठीक? इनकी बॉडी जो होती है, इनके पास आर्म्स नहीं होती हैं, ठीक है? इनके पास लेग्स भी नहीं होते हैं, लेकिन ये है क्लाइंब करते हैं, ट्रीज़ के ऊपर चढ़ सकते हैं, ठीक है? स्नेक जो है वो हो लंबा होता है, फ्लेक्सिबल, इसके पास बैकबोन होती है और मैनी इंटरकनेक्टेड मसल्स दैट हेल्प इट टू स्लाइडर, ठीक है? इसके अंदर स्लाइडिंग मोशन होता है। ये है कि जो फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है वो हो इनके मसल्स के साथ कनेक्शन बनाती है, और इसी की हेल्प से ये है अपना मोशन कर पाते हैं। जो मसल्स होते हैं वो हो बैकबोन से अटैच होते हैं, रिब्स यानी कि पसलियों से अटैच होते हैं, और स्किन से अटैच होते हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि इसके अंदर बैकबोन होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है। तो अगर इसके अंदर बैकबोन होती है तो स्नेक्स आपके क्या हैं? वर्टिब्रेट हैं, ओके? वाइल मूविंग द स्नेक्स बॉडी कर्व्ड इनटू मैनी एस शेप्ड लूप्स ऑन द अल्टरनेट साइज। उसकी बॉडी जो है वो एस शेप बनाती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हल्का हल्का एस बना हुआ है, ठीक है? जब ये चल रहे होते हैं तो इनकी बॉडी एस शेप बनाती है। ईच लूप प्रोसेस अगेंस्ट द ग्राउंड एंड गिव्स अ फॉरवर्ड पुश। हर लूप जो है वो ग्राउंड के अगेंस्ट में जाता है, और तभी से वो आगे की तरफ उन्हें धक्का मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं। जो स्नेक्स जिगजैग मैनर में तेज चलते हैं, ठीक है? इट कैन नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते हैं। इट ऑल्सो हैज़ डिफ़िकल्टी ऑन वेरी स्मूथ सरफेस, ये है बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस पर, चिकनी जगह पर भी नहीं चल पाते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि बर्ड्स में मूवमेंट किस तरह से होता है। बर्ड्स जो हैं बहुत सारे मूवमेंट शो करती हैं। ये फ्लाई कर सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, रन कर सकती हैं, और हॉप कर सकती हैं, मीन्स कूद सकती हैं ग्राउंड पर, ठीक है? कुछ बर्ड्स जो हैं जैसे कि डक,
स्विम कर सकती है। ठीक है, बर्ड्स के क्या फीचर्स होते हैं ये मैं आपको कल बताऊंगी। इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।